विश्वनाथ में बाबा के धाम में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। देव दीपावली पर जहां एक ओर दिया जलाने की प्रक्रिया है तो वहीं दूसरी ओर बाबा के दर्शन। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह 2 बजे से लेकर रात तक लाखों की भीड़ और उसके साथ किस तरह से गुंजायमान हो रहा है यहाँ पर पूरा मंदिर प्रांगण। काशी कॉरिडोर में जहाँ दूर दराज से लोग आए हैं, कोई केरल से तो कोई जम्मू कश्मीर से, कोई बिहार से तो कोई खुद वाराणसी से, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुक रहा है बाबा के दर्शन करने का, पूजन अर्चन करने का और उसके साथ बाबा धाम में आकर बाबा का आशीर्वाद लेने का। मैं इस समय शंकराचार्य चौक में हूँ जहाँ एक और बाबा के दीवाने बाबा के भक्त हैं यहाँ पर, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। कैसा महसूस कर रही है यहाँ पर आकर, कैसा? बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत शांति मिल रही है मन को। हम एवरी ईयर आते हैं यहाँ पर दीप दीपावली के। आप कहाँ से, कैसा? मैं दिल्ली से हूँ, बाबा की नगरी में आके किसको अच्छा नहीं लगेगा। आप पहले भी आई हैं कि यहाँ पहली विजिटर, कैसा लग? पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बाबा हम पे कृपा बनाए रखे। आपके लिए सबसे अच्छा सबसे यादगार क्या रहा? डिवाइन फीलिंग पूरी की पूरी, इससे आप किसी को कम ज्यादा नहीं कह सकते। आपके लिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने लोगों के साथ होर के भी अपने में भगवान अपने साथ हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। स्पर्श करने का मौका किसको किसको मिला? बाबा की मूर्ति को, शिवलिंग को कैसे स्पर्श, मतलब छूने का मौका किसको किसको मिला? छूने का नहीं मिला, लेकिन आपको ये क्या क्या महसूस? ये बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव रहा। मतलब हम लोग कल अचानक झारखंड से चले हैं धनबाद से, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि इतनी जल्दी बाबा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन मतलब धन्य हो गया बाबा का दर्शन करके। इसी पे मैं एक छोटा सा हर हर महादेव, एक छोटा सा बाबा के लिए मैं एक धुन। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलिक चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी देवा दि शंकरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आपके क्या यहाँ के वाइब्रेशन बहुत बढ़िया है। पहले भी आए हैं मंदिर, कभी देखा है कि पहले और अभी में कितना अंतर है? नहीं 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 नहीं, पहले तो देखा नहीं है, बट इट्स बीन अ डिवाइन एक्सपीरियंस एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, इट्स सो वंडरफुल। सुना तो बहुत था देव दिवाली के इस माहौल को, बट आज जो एक्सपीरियंस किया है और जो शाम को एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसके लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन। लाखों दिए एक साथ एक जगह जले हैं और कैसा महसूस होगा? वेटिंग फॉर द एक्सपीरियंस, लुकिंग फॉरवर्ड, और ये जगह जिस तरह से बनाई गई है, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वेरी अनएक्सपेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस तरह से बनाया गया है उसको कैसे देखते हैं आप? अमेजिंग। बहुत कुछ सुना उसके बहुत कि ये बहुत छोटी छोटी गलियां थी जिनको खोल के पूरा उन्होंने ये बनाया है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। इन्होंने जो पुरानी हमारी हिस्ट्री थी, कल्चर था सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, उन्होंने अच्छा दिखा रहे हैं एंड वी होप वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट, सो वी आर सो ग्लैड टू बी हियर। आपको कैसा लग रहा है पूजन पाठ? आप तो पूरी एकदम वेशभूषा में। सबसे पहले तो सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या है, आप लोग को भी ज्ञात नहीं हुआ कि आज ही काशी विश्वनाथ जी की स्थापना हुई थी, इसलिए काशी में सबसे पहले देव दीपावली इसलिए ही मनाई जाती है, यही सबसे बड़ी महत्वता है आज के दिन की। और जो आज देवाधिदेव यहाँ आते हैं बाबा के दर्शन करने, उनका पूजन अर्चन करने, दिवाली बनाने के लिए, दीपदान का क्या महत्व? दीपदान से सबसे बड़े हमारे जो एक महीने का जो दीपदान होता है उसमें सारे पितरों को मुक्ति मिलती है, इसलिए दीपदान की महत्वता है काशी में। महत्व तो बहुत है और उतना ही महत्व तो यहाँ पर लोगों का है जो यहाँ पर घंटों इंतजार करते हैं लेकिन एक भी चेहरे पर शिकन नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लंबी लंबी कतारों के बाद अगर कुछ मिलेगा तो अंदर मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन और उसके साथ ही मानकर चलिए कि जन्म तो सफल होना तय है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, वाराणसी, ABP News।